Hi, you beautiful people. Welcome to Capture Candy Co. And I hope you all are doing well. So, title से तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज के दिन हम क्या करने वाले हैं. Yes, so today is World Photography Day. तो सबसे पहले wish you all a happy World Photography Day. तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आपको भी जानना है कि अच्छे से मॉडल्स या सेलिब्रिटी की तरह पोज कैसे करते हैं. कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. ये बात अलग है कि उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सारे पोस्चर्स पोजेस सब सिखाए जाते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आप ये सब नहीं कर सकते हैं. उसके लिए आई एम योर सेवियर. टुडे आई एम गोना शेयर ऑल दोस ट्रिक्स एंड टिप्स जिसको यूज करके आप भी एक अच्छे मॉडल या सेलिब्रिटी की तरह प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं. क्यों नहीं, आजकल का जमाना ही ऐसा है भाई. हर किसी को ब्लॉगर बनना है, व्लॉगर बनना है, फोटोज खींचनी है, सोशल मीडिया हैंडल पर डालना है. क्यों नहीं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल एंड व्हाई नॉट, होना भी चाहिए भाई, जमाना ही ये है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स. तो अच्छे अच्छे फोटोज खींचिए, फोटोग्राफी डे है भाई, पोस्ट कीजिए एंड लाइक्स एंड कमेंट्स इकट्ठे कीजिए. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स विच यू ऑल कैन क्लिक. तो फर्स्ट जो आता है वो होता है थोड़ा सा सेंशुअस फोटोज होते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी अच्छे एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं. सेकंड जो होते हैं वो होते हैं डिसेंट फोटोग्राफ जिसमें आप नॉर्मल से स्माइल दे सकते हैं या कुछ भी अपना मुंह अच्छे से बना सकते हैं. एंड थर्ड होते हैं वो होते हैं फन लविंग फोटोग्राफ जिसमें आप अच्छे खेलते कूदते हुए नजर आते हैं, जिसमें कि आपके मिलते हैं कैंडिड शॉट्स. बट इन सारे शॉट्स में जो कुछ पोजिंग रूल्स होते हैं वो आपको हर किसी में ध्यान रखने पड़ते हैं. तो सबसे पहले रूल नंबर वन की हम बात करें तो वो आती है आपकी ड्रेस. अब आपकी ड्रेस अच्छे से आयरन एंड क्लीन होनी चाहिए, मैसी ड्रेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है फिटिंग. आपकी ड्रेस अच्छी आपको फिट होनी चाहिए, ना ज्यादा टाइट हो जिससे आपका फिगर एकदम खराब खराब सा लगे, ना ही ज्यादा लूज हो ताकि आप और ज्यादा मोटे लगे. तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. यहाँ मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अपने फोटोग्राफ्स. देखिए इसमें जो मैटर कर रहा है वो है हमारी ड्रेसेस. इन ड्रेसेस के चलते इन फोटोज में कैसी जान सी भर गई है. तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी ड्रेसेस भी परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट हो. सो कमिंग टू सेकेंड वन, वो है आपका पोस्चर. आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए. यू शुडंट स्लाउच लाइक दिस, यू शुडंट ऐसे, आपका नेक ऐसा नहीं होना चाहिए, आप टेढ़े मेढ़े नहीं खड़े रहना चाहिए, आपका पोस्चर एकदम करेक्ट होना चाहिए. तो इन फोटोज में देखिए यहाँ पे पोस्चर जो है एकदम सा स्टिफ सा पोस्चर कितना ही अच्छा एक पोज भी दे रहा है एंड एक पिक्चर को डिफाइन भी कर रहा है. तो अगली बार से अपने पोज पे जरूर आप ध्यान रखिए. द थर्ड रूल इज दैट अपने पोजेस को चेंज करते रहिए, सिर्फ एक ही एंगल में या एक ही मत खड़े रहिए. इससे आपके पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो सकते हैं. तो अपने पिक्चर्स को थोड़ा क्रिएटिव बनाइए, अपने पोजेस को चेंज करते रहिए. यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिक्चर्स, इनको ध्यान से देखिए, हर एक में अलग पोज दिखेगा. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट डिफरेंट पोजेस, आपके हिप का पोस्चर क्या होना चाहिए, आपके हाथ की प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, सी दिस वीडियो. इसमें मैंने आपको बताए हैं अलग अलग तरीके के पोजेस एंड पिक्चर्स, तो आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं. इसमें मैंने फीमेल एंड मेल वर्जन दोनों बनाए हैं. सो हाई अप गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. फोर्थ वन, व्हाट मैटर्स इज योर फुटवेयर. आप देखिएगा कभी आपकी ड्रेसअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेकअप भी आपने अच्छा किया है, लेकिन अगर आपका फुटवेयर अच्छा नहीं है तो आपके फोटोज बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे. अगर आपने किसी भी प्रोफेशनल मॉडल का फोटो शूट देखा हो तो उसमें वो लोग हील्स पहनते हैं बिकॉज दे हैव टू, उससे पोस्चर बहुत ही ज्यादा करेक्ट बैठता है. तो ट्राई एंड वेयर हील्स. अगर आप हील्स नहीं पहन पाते हैं या किसी भी कारण की वजह से तो आप अच्छा सा कोई फुटवेयर या जूती वगैरह भी पहन सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि वो आपके आउटफिट के साथ मैच कर रहे हैं. ये थे हमारे पोजिंग रूल्स. अब मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट टाइम में ही आपके पोजेस अच्छे आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आप वो फर्स्ट टाइम चीज कर रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम कोई भी चीज की हुई
थोड़ी सी कम परफेक्ट होती है तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइएगा। एंड डीमोटिवेशन से याद आया कि हम जब भी कोई अच्छे मॉडल्स या किसी भी अच्छे इंस्टाग्राम ले लीजिए या स्नैपचैट ले लीजिए, उन पे दूसरों के फोटोज देखते हैं तो हमें वो देख के लगता है यार उनका क्या फिगर है, क्या बॉडी है, कितने अच्छे दिखते हैं, क्या पोजेस मारते हैं, एंड इस चक्कर में हम डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अंदर की स्टोरी किसी को भी नहीं मालूम होती है, हर कोई मेकअप करता है, हर कोई कुछ ना कुछ अपने आप को बेटर करने के लिए करता रहता है, तो उससे देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यू शुड ट्राई कि आप कैसे बेटर हो सकते हैं। तो इसका तरीका है प्रैक्टिस, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, अपने शॉर्ट्स कैप्चर करते रहिए एंड इम्प्रूवमेंट आपकी होती रहेगी। और एक चीज अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, अगर आपको नहीं पता है कि पोजेस क्या देने चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम गूगल या फिर पिंटरेस्ट या फिर यूट्यूब पे भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं कि आप पोज कैसे कर सकते हैं। वहां जाइए, वहां से आप लीजिए, देखिए उनको कि वो कैसे पोज कर रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में उनकी तरह ही पोज कीजिए, फिर इनिशियली धीरे 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 आप अपना भी कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड करते जाइए, आपके अपने पोजेस क्रिएट होते जाए। बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू टेक इंस्पिरेशन एंड एडवाइस फ्रॉम हुएवर इज डूइंग बेटर देन यू। कुछ भी बुराई नहीं है किसी से इंस्पिरेशन या एडवाइस या फिर हेल्प लेने में। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो जरूर उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए, डोंट लिटरली कॉपी देम, बट ठीक है इंस्पिरेशन लेना इज नॉट एट ऑल बैड। तो वहां से भी देखिए एंड ट्राई दोस पोजेस। एंड पोजेस के लिए और एक चीज मैं आपको बताऊं, तो पोजेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कैसे भी पोज कर सकते हैं। आप खड़े होने वाले पोज कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप स्टूल पे बैठ सकते हैं, आप जमीन पर बैठ सकते हैं, कहीं भी आप पोज दे सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि उन पोजेस में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप बैठे हुए हैं तो देखिए, कुछ ना कुछ अपने हाथ इस्तेमाल करते रहिए। अगर आप बैठे हुए हैं तो अपने पांव को ऐसे थोड़ा सा अच्छे एंगल में फैला लीजिए, कुछ ना कुछ बस क्रिएटिव कीजिए। वो पिक्चर्स बोरिंग नहीं लगने चाहिए, बस देखिएगा कैसे आपके मॉडल से ज्यादा अच्छे फोटोज आएंगे। सो अगली बार इन सारी ट्रिक्स को जरूर याद रखिएगा एंड इनको ध्यान रखते हुए फोटोज कीजिएगा, देखिएगा आपके कितने प्रोफेशनल फोटोज आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, सब्सक्राइब करके जाइए। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे अच्छे फोटोज निकालिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए एंड मुझे टैग कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये है मेरी आईडी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।